सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल पॉइंट फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पॉइंट फॉर यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो अपने फ़ोन में पैटर्न लॉक लगा कर रखते होंगे, पर ये तो एक कॉमन सा लॉक होता है। पर आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऐप लेकर आया हूँ जिस ऐप की मदद से आप अपने पैटर्न लॉक पर अपने फ़ोटोज लगा सकते हैं, ताकि जब भी कोई पर्सन आपके फ़ोन के लॉक को देखे तो वो भी आपके फ़ोन को देख कर अट्रैक्ट हो जाए। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कर दें। इससे क्या हुआ कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो जो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं उस ऐप के बारे में। तो सबसे पहले जाना है हमें अपने प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सर्च करना है लॉक स्क्रीन फ़ोटो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहले से सर्च कर रखा था इसलिए सर्च हिस्ट्री में शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं लॉक स्क्रीन फ़ोटो का, पर मैंने ये थर्ड वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, तो आप चाहें तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें ऑन कर लेने हैं। तो देखिए, इनेबल स्क्रीन लॉक, तो ये इसे ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, इस तरह से ओके कर देना है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। तो ये मेरा स्क्रीन लॉक का पासवर्ड सेट हो चुका है। उसके बाद डिसेबल सिस्टम स्क्रीन लॉक, तो अगर आप अपने फ़ोन का जो पहले स्क्रीन लॉक था उसे हटा कर इस लॉक को लगाना चाहते हैं तो ये सेकेंड वाले ऑप्शन पर जाकर पैटर्न, पिन या पासवर्ड जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करके अपना जो पहले वाला पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल करके उसे आप हटा सकते हैं और इस ऐप का लॉक आप लगा सकते हैं। उसके बाद थर्ड है चेंज पासवर्ड, इस पर जाकर आप अपना जो मैंने अभी ये पासवर्ड लगाया था उस तरह से आप यहाँ पर आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है चेंज इमेजेस एंड कलर, तो यहाँ पर देखिए इन हार्ट्स में आप अपना इमेज लगा सकते हैं, तो आपको सिंपली उस पर एक बार टैप कर देना है जो हार्ट पर लगाना है। उसके बाद अपने गैलरी या एक्सप्लोरर या फोटो जिसमें भी आपका इमेज है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्रॉप कर लेना अच्छे तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए इसी तरह से आप सारे हार्ट्स में अपना इमेजेस लगा सकते हैं। तो मैं एक और करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें भी मैंने अपना इमेज लगा दिया है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ आई लव यू, ये वाइट कलर में, उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से मैंने रेड कर लिया है। उसके बाद आप इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। तो इस तरह से आप इन हार्ट्स में अपना फ़ोटो लगा सकते हैं और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आई लव यू, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है सेट वॉलपेपर, तो यहाँ पर आप वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपका पासवर्ड होगा, आपका पैटर्न होगा, उसके अंदर पासवर्ड ये वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको गैलरी से कोई फ़ोटो सिलेक्ट करना है तो ये गैलरी पर जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सेटिंग्स को आपको कर लेना है, उसके बाद आपके फ़ोन में लॉक लग जाएगा। आप जब भी इसे अपने फ़ोन को लॉक खोलना चाहेंगे तो आपके पैटर्न लॉक पर आपके इमेजेस शो होंगे जो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे देखने में। तो मैं अभी अपने फ़ोन को लॉक करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने लॉक कर दिया तो मेरा ये रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता हूं, पर आप इसे यूज करिए, ये 100% वर्क करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान पाए। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।